रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 9 मार्च को है फागुन पूर्णिमा का दिन, जो कि सभी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 9 तारीख को होलिका दहन होगा और इस बार के होलिका दहन में एक खास योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस बार 9 मार्च को गज केसरी राजयोग बन रहा है। दोस्तों, इस योग को बेहद शुभ माना जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बार होली पर 499 साल बाद एक और अद्भुत संयोग बन रहा है। बता दें कि इस बार देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। शनि देव मकर राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। और दोस्तों, इसी वजह से इस बार की होली अन्य साल की होली की तुलना में काफ़ी ज़्यादा खास है। दोस्तों, इसी के साथ बता दें कि इस बार होलिका दहन के समय इस साल भद्रकाल की बाधा नहीं रहेगी। फागुन माह की पूर्णिमा यानी होलिका दहन के दिन भद्रकाल सुबह सूर्योदय से शुरू होकर दोपहर करीब 1:30 बजे ही खत्म हो जाएगी। इस तरह होलिका दहन शाम को प्रदोष काल में यानी कि शाम 6:30 बजे से 7:20 तक किया जा सकेगा। वहीं पूर्णिमा तिथि रात 11:00 बजे तक रहेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह जी की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यह फागुन पूर्णिमा की रात और भी खास है, क्योंकि दोस्तों इस दिन रात को निकलने वाला चांद अन्य पूर्णिमा के चांद की तुलना में अधिक चमकदार और बड़ा होगा। यह लगभग 14% बड़ा और 30% अधिक चमक वाला होगा, इसलिए खगोल विज्ञान में इसे सुपर मून भी कहते हैं। दोस्तों, यह सारे बड़े संयोग इस दिन एक बड़ा महासंयोग बना रही हैं, जो कि कुछ राशियों की जिंदगी पलट कर रख देगा। इनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है। साथ ही साथ सोमवारी पूर्णिमा होने की वजह से इन राशि वालों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा भी होने वाली है। तो आखिर ये राशियां कौन सी है, इन्हें क्या लाभ होगा, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शनि और गुरु की कृपा से ये राशियां अब मालामाल बनेंगी। इन राशियों पर महाराज शनिदेव की असीम कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। इन राशि वाले लोगों को मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आप मानसिक रूप से काफ़ी खुश रहेंगे। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। आपका अच्छी जगह रिश्ता तय हो सकता है। घर परिवार की सुख सुविधाओं में आपके बढ़ोतरी होगी। सही समय पर पिता की दी गई सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। महादेव और शनिदेव की कृपा से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप धर्म कर्म के कार्यों में अधिक रुचि लेंगे। आपको संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में लाभ मिल सकता है। आप अपनी नई योजनाओं पर ठीक प्रकार से कार्य कर पाएंगे।
विदेशी संस्थान से छात्रवृत्ति या प्रवेश संबंधी खबर की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिलेगी। आप लोगों को आर्थिक मामलों में दोस्तों की मदद मिल सकती है। आपकी सृजनात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपको भाई बहनों के द्वारा सहायता मिलेगी। आपका विनम्र स्वभाव दूसरों को आकर्षित करेगा। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। आप लोग अचानक किसी नए प्रेम संबंध में पड़ सकती हैं जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर वे कौन सी राशियां हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। बता दें कि इस राशि के लोगों का नसीब होली के बाद बिजली से भी तेज चमक उठेगा, जिससे इनको अपने नसीब में लिखा हुआ सब कुछ मिल सकता है और इनकी आय में भी इस दौरान वृद्धि होगी। मानसिक तनाव आपका खत्म होगा। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बेरोजगारी की चिंता अचानक समाप्त हो सकती है। संतान सुख और वाहन सुख की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। बता दें कि आपका बिगड़ा नसीब होली के बाद बिजली की तरह चमक उठेगा। आय के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। कारोबार में आने वाली परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दफ्तर में अपने काम को आप बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे और वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। आर्थिक रूप से भी आपके लिए समय शुभ है। आप अपना आर्थिक लक्ष्य भी पा सकेंगे। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बता दें कि आने वाला समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। आपका सोया हुआ नसीब होली के बाद बिजली की तरह चमक उठेगा। अपने दैनिक जीवन में अनेक बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत अपने लक्ष्यों की आपको प्राप्ति होगी। भगवान प्रहलाद की कृपा से होलिका दहन के बाद धन संबंधित समस्या आपकी खत्म होंगी। आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। धन निवेश की प्लानिंग आपकी सफल रहेगी। सभी कार्य आसानी से आपके पूरे होने लग जाएंगे। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। बता दें कि होली के दिन से इस राशि के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। भगवान प्रहलाद इन पर अपनी कृपा करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कमी दूर होगी और होली के बाद धन की बरसात आप पर होगी। कारोबार में लिया गया फैसला बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको सरकारी नौकरी की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि के लोगों की धन की स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा और बिजनेस वाले लोगों के लिए निवेश में अच्छा समय है। बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए अच्छा रहेगा और दान में खाने की चीज़ों और लाल कपड़ा दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। बता दें कि मकर राशि के लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। इस राशि के लोगों के पीछे किए गए अच्छे कार्य अब आपको इस समय लाभ करवाएंगे। इस राशि के लोगों को अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए और गर्म कपड़े गरीबों को दान करने चाहिए। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। बता दें कि आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने की पूरी पूरी संभावना नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में किसी विशेष कार्य को लेकर आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। घरेलू जीवन आपका अच्छा रहेगा। शादीशुदा जीवन में खुशियाँ आएंगी। जीवन साथी के साथ कुछ नया करने का प्रयत्न आप कर सकती हैं। आपके सामाजिक सभी प्रकार के कार्य
पूर्ण होंगे। आपका व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जमीन जायदाद से संबंधित बहुत से अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यस्थल में साथ काम करने वाले लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं वह व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। नौकरी पेशा वाले लोगों को तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।